लड़कियों के साथ शॉपिंग करना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का काम होता है। मुसीबत? लड़की बीवियों में तुम्हारी? एक तो इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आते हो, ऊपर से बकबक करते हो। ओके आई एम सॉरी, रिलैक्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। भाई वो दुकान का है जहाँ हर समस्या का समाधान होता है, इसी मॉल में है ना वो दुकान? वाओ प्रीतम, ये साड़ी देखी है, कितनी अच्छी है। है पर... पर? पर क्या? सुंदर नहीं है? ठीक है, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। नॉटी फ्लर्ट, बीवी से फ्लर्ट करते हो। चलो पैसे निकालो, आज मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराने वाली हूँ। जान मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं? ये नहीं भैया, वो ग्रीन वाली। जान, हाँ? सच में जेब खाली कराओगी क्या? शरद सुनो, हाँ? तुम शॉपिंग करो, मैं दो मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बस दो मिनट, दो मिनट। शरद, हाँ? शरद, हाँ? कैसा है यार तू? और बता कहाँ है तू? ये क्या हालत बना दी तूने अपने आप की? हाँ क्या हो गया तू? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जाना है? कहाँ जाना है? मुझे वो दुकान ढूंढनी है। तू जानता है वो दुकान कहाँ है? कौन सी दुकान ढूंढ रहे थे? इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार। कौन लोग तुझे ढूंढ रहे शरद? तू नहीं समझेगा यार। अरे लेकिन क्यों नहीं समझूंगा मैं? कम से कम समझाने की कोशिश तो कर। मैं तुझे कुछ नहीं समझा पाऊंगा, मुझे वो दुकान ढूंढनी है। कौन सी दुकान? तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। कैसे हो शरद, जाने की तैयारी पूरी हो गई क्या? अब तो हम रोज मिलेंगे। क्या हुआ शरद, तू इतना डरा हुआ क्यों? ये कौन था? कौन है ये? चंद्रकांत, ये चंद्रकांत था। था मतलब? नाम बदल लिया क्या उसने? इस आदमी की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी, एक्सीडेंट में ये मारा गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ये आदमी मरा हुआ है? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछ रहा था कि चलने की तैयारी हो गई, मुझे जल्द से जल्द वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है। अरे क्यों वक्त कम है? तुम शरद नहीं, शरद शरद बात क्या? शरद शरद नहीं, कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का दोस्त था। ओके। पता नहीं उसे क्या हो गया, he's just acting weird. Anyways, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ, मेरी शॉपिंग हो गई। शरद, 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 ये कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ शरद बोल, बात क्या है शरद? वो शरद किसने किया ये? नहीं, शरद शरद
अच्छा हुआ तुम आ गए। Are you okay, Anita? क्या बात है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बोला? करण बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रीतम कहाँ है? अंदर है, कमरे में। कमरे में? लेकिन बात क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है करण। बीमार है? पता नहीं, कुछ तो हुआ है उन्हें। ये कैसी आवाज थी? प्रीतम की है। खुद को बंद करके बैठे कमरे में, ना बात करते हैं ना बाहर आते हैं। बाहर आती है तो उनके सिर्फ दर्द भरी आवाजें हैं। आजा, घबरा मत। सुना? प्रीतम, प्रीतम मेरी आवाज सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं करण यार, तुम्हारा दोस्त। दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? अगर इतना दर्द है तो बाहर क्यों नहीं आते? प्रीतम एक बार दरवाजा खोलिए। हाँ प्रीतम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। दरवाजा खोलो। हाथ मत लगाना मुझे। पर क्यों करना? क्या हुआ? हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना मुझे। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं, नहीं तो मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। करण, करण दरवाजा मत खोल। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माय गॉड, माय गॉड। ये क्या हो गया तुम्हें प्रीतम? ये कैसी हालत हो गई है? लगता है हमें प्रीतम को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो प्रीतम, चलो। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता मुझे। कुछ तो करो करण, प्लीज इन्हें ले चलो। प्लीज हेल्प मी। प्रीतम तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेकर जाते हैं। प्रीतम हमारे साथ चलो, यहाँ छुप कर बैठना क्या फायदा? ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना छुप कर ले जाओ, वरना वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बोलो कौन लोग? मैंने आपको फोन किया था बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए बाबा, हमारी मदद कीजिए। घबरा मत, ठीक करते हैं। बैठाओ इनको। मैं नहीं बैठूंगा। बैठ जाओ गुरुजी, सब ठीक करते हैं। बैठो बैठो गुरुजी, आप लोग वहां पर जाकर बैठिए। ये चेहरा छिपा क्यों रखा है? वो लोग उसे ढूंढ लेंगे ना, इसलिए। कौन? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हटाओ उसे। मैं नहीं हटाऊंगा। मैं देख लूंगा, घबराओ मत। प्रीतम कपड़ा हटा दो, प्रीतम गुरुजी सब ठीक कर देंगे। घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब। दो कपड़ा। ये हाथ ढक क्यों रखा है? कुछ नहीं, हाथों में बहुत दर्द है, और अगर नहीं ठीक होगा तो वो लोग आ जाएंगे। दिखा मुझे, मैं देख लूंगा उन लोगों को। दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रीतम हाथ दिखा दो। तुम कौन मार डालेगा तुम्हें? दिखाओ गुरुजी को। दिखाओ प्रीतम। दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा?
दिखाओ। कोई आ जाएगा? कौन आ जाएगा प्रीतम? अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ, डरो मत। देखो देखो अंदर आ जाएगा। गुरु जी मैं देख के चलता। मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है, बैठ जाइए आप लोग। ये क्या है? ये क्या तुम्हारे हाथ में? क्या हुआ गुरुजी? आप क्यों चिल्ला रहे गुरुजी? क्या हुआ? लेके जाओ उसे यहाँ से। मैंने ऐसी भयानक चीज आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी भयानक चीज। गुरुजी प्लीज बचाइए ना। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसकी मदद। इसको ले जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। हर दुख का इलाज होता है, कोई भी दुख इससे परे नहीं होता, लेकिन वो इलाज यहाँ नहीं, हमारे अतीत में छिपा है, हमारी पिछली जिंदगी में। और हमें कि उसे यहाँ ढूंढते रहते हैं। अभी भी कुछ आवाजें मुझे बुलाती रहती है, बिना बात के मुझे पुकारती रहती है, मेरे पास अपने साथ आने को कहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये आवाजें मेरी अतीत से जुड़े हुए हैं? देखो यामिनी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो एक आवाज जो तुम्हें सुनाई देती है वो तुम्हारे अतीत से है, और उस अतीत को ढूंढने के लिए तुम्हें उन शक्तियों को और भी करीब से जानना होगा। कुछ दिन पहले वो मुझे दिखी थी। कौन? वही जो मुझे बुलाती है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है। तो कौन है वो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है वो? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? ये आप क्या कह रही है? नहीं, मेरा तो बस एक छोटा भाई है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं? मतलब क्या मतलब है आपका कि मैं? मेरा गणित ये कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है। और जिन नेक लोगों के साथ तुम रहती हो ना, उन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया है, जन्म नहीं। क्या यामिनी? तुम्हारी जुड़वा बहन ढूंढ रही है तुम्हें, आवाजें दे रही है, तुम तक पहुंचना चाहती है। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नेक नहीं है। उसके पापों का घड़ा इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हेलो। हाँ राघव। और फिर मैंने उसका हाथ देखा, एक एक ऐसी चीज मुझे दिखाई दी उसके हाथ पे जिसे किसी इंसान ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या था उसके हाथ में? डर के मारे कांपने लगा था मैं। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। आखिर था क्या वो, ये तो बताइए।
एक लड़की का चेहरा। औरत का चेहरा हाथ पे, मतलब कोई टैटू था? नहीं, टैटू नहीं था वो, टैटू नहीं था वो, वो चेहरा खाल के नीचे से ऊपर आ रहा था। जिंदा था वो चेहरा, जिंदा था। चेहरा जिंदा था, ये आपको कैसे मालूम हुआ? बहुत तकलीफ में थी वो लड़की, खून के आंसू रो रही थी, खून की बूंदें निकल रही थी उसकी आंखों में से। आपकी आंखों के सामने? हाँ, और तब से मुझे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दर्द में चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें, न जाने किस भाषा में बात करते हैं वो लोग। इतनी जल्दी डर गई, अभी तो कई चीखे सुननी बाकी हैं। उस आदमी का हाथ देखो जाके, देखो वो रोता हुआ चेहरा, अभी भी है क्या हाथ पे? क्या नाम बताया था आपने उस आदमी का? प्रीतम। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लगता तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी अपने कैमरा ऑन कर लो। बेचारा प्रीतम बहुत ही अच्छा आदमी था। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, कुछ ही दिन पहले मिला था। बेचारा अच्छा आदमी था। क्या हुआ प्रीतम को? कल रात मौत हो गई उसकी। अब क्या करें? हम तो आए थे यहाँ प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने के लिए, मगर हाथ तो चद्दर के अंदर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठते हैं, लाश को जब शमशान ले जाएंगे तो शूटिंग करने की कोशिश करेंगे। Oh.
जामिनी तुम यही रुको, प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने की कोशिश करो, हम पता लगा के आते हैं। चलो नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रीतम मर चुका है, उसकी आत्मा नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है ये। बात क्यों रहे हो, बात क्या है? मुझे जाने दो। बात क्या है? वहाँ एक मरी हुई अंग्रेज औरत हाथ में कब्र का पत्थर लिए वहाँ खड़ी, वो मुझे मुझे मरी हुई अंग्रेज औरत। हाँ हाँ, यकीन नहीं आता, वो देखो कहा हाँ मेरे साथ वही यही यही थी वो यही थी, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ पर खड़ी थी, मेरा दोस्त प्रीतम वो अंदर था, वो मुझ पर हंस रहा था जोर जोर से, जोर जोर से। पर प्रीतम तो अंदर मरा पड़ा है। हाँ वो मरा है, पर उसकी आत्मा मुझे देखकर हंस रही थी जोर जोर से, मैं कसम खाता हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो वहां था और वो यही खड़ी थी, वो मुझे। प्रीतम मर चुका है, अंदर कोई नहीं था, कोई नहीं था अंदर। I'm sorry. वो शायद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। I'm really sorry. I'm sorry. तुम्हें क्या लगता है हर्ष, क्या इसे वाकई में प्रीतम की आत्मा दिखी होगी? शायद, पता नहीं। चला गया वो? हाँ चला गया, बहुत घबराया हुआ था बेचारा। तुमने प्रीतम के हाथ की शूटिंग की? हाँ हाँ, पास से की, पर उसके हाथ पे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा, लेकिन उस दिन तो गुरुजी ने कहा था कि प्रीतम के हाथ में उन्होंने एक लड़की का चेहरा देखा था। अभी पूछ लेते गुरुजी से। हेलो हेलो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। वो नहीं, कहाँ गए? वो अस्पताल गए हैं। क्यों? वो बीमार हो गए हैं, उनके हाथ में बहुत तेज दर्द था। कौन से अस्पताल में? इस दर्द का कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, और सहन नहीं होता है, यहाँ पे दर्द है। ये चेहरा किसका? कौन सा चेहरा? यारी हथेली पर। मेरी हथेली पे कोई चेहरा नहीं।
क्यों? प्रीतम के हाथ में था, ये मेरे हाथ में आ गया। ये कैसी आवाज है? अरे शोर किस बात का है? वहां पर वो आवाज़ मैंने पहले भी सुनी है। पहले भी सुनी है? कहां पर से? जब प्रीतम आया था तुमने देखा नहीं कौन बोल रहा था? उस टाइम कोई दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। एक मिनट रुको, मैं पेन किलर लेकर आता हूँ। जल्दी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ दो इंजेक्शन लगा देता। अरे इंजेक्शन लगवा लो, आराम आ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसीलिए टूटो मारेगा, जो भी मार हट करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अकल हो तो क्या? वार्ड बॉय, मुझे माफ कर दो, मैं इसे नहीं मारना चाहता था, पता नहीं ये क्या। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। क्लिनिक तो ये, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट, खून, डॉक्टर के आप में इंजेक्शन? लेकिन डॉक्टर को मारा किसने होगा? गुरुजी भी दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? यामिनी, जरा गुरुजी को फोन लगा के देखो। हाँ। फोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही। शायद हाथ। मुझे लगता है इन सब मौतों का संबंध हाथ से। हाथ से? कैसे? देखो, ये सब कहां से शुरू हुआ? जब गुरुजी ने प्रीतम के हाथ में एक लड़की का चेहरा देखा, राइट? राइट। और प्रीतम के हाथ में भी तो दर्द हुआ था, इसीलिए तो गया था वो गुरुजी के पास। इससे पहले कि हम प्रीतम से मिल सकते हैं, वो मारा गया। और जब मैंने गुरुजी के घर पे फोन किया तो उसके आदमी ने मुझसे कहा कि गुरुजी के हाथ में दर्द है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गए। और फिर गुरुजी की भी मौत हो गई, साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो गई जिसके पास वो गए थे ट्रीटमेंट के लिए। पर प्रीतम का हाथ मैंने देखा था, कोई चेहरा नहीं था उसके हाथ पे। यार यही तो समझ में नहीं आ रहा, जब चेहरा था ही नहीं हाथ पे तो फिर गुरुजी ने ये बात कही क्यों हमसे? चेहरा बना था चेहरा, बस हमें दिखाई नहीं दिया। अगर प्रीतम और गुरुजी जिंदा होते तो कुछ पता चल सकता था उस हाथ पे बने चेहरे के बारे में। अगर प्रीतम और गुरुजी की मौत के साथ साथ
ये हाथ का भी सीक्रेट हमेशा के लिए चला गया। हवेली तो वाकई बड़ी शानदार है। बनाने वाले ने भी किस कशिश से बनाई होगी। कोई है? जरा जोर से खड़काओ। लगता कोई है नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ना कोई अंदर रहना चाहिए। कोई है? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया यार? ये अंधेरा अपने आप कैसे हो गया? अरे यार कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलो। अरे कोई टॉर्च लेकर आया साथ में क्या? अरे यहाँ क्या पता था कि दिन में रात हो जाएगी। अरे यार अजीब हवेली है यार, अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये देखो एक अचानक अंधेरा हो गया। और ये दरवाजा अचानक खुलता है अचानक बंद हो जाता है यार। ये मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ आत्मा है। अरे जा जा देख कहीं स्विच वगैरह होगा, लाइट ऑन कर ढूंढ। हाँ हाँ लामी से पहले इस हवेली की सफाई करनी पड़ेगी। सो तो है, चलिए ऊपर देखते हैं। इतनी बड़ी हवेली है, इतने रूम, जितना फर्नीचर, देखते हैं क्या बनती है नीलामी। हाँ चले चलिए चलिए चलिए। अरे ये कौन है? ए रिकॉर्ड में जिसके बारे में लिखा था शायद वही आदमी है। अरे निकाल इसको बाहर। ए चल उठा उठा उसको। ए ए उठ 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 चल सोनिया होने का क्या है? सोनिया 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 आत्मा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.